तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में परीक्षाएं हैं हिंदी की, ठीक है, उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो हमारे स्टूडेंट नए एडमिशन लिए हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर अभी परीक्षाएं चल रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हिंदी का जो मॉडल पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आता है, वो किस प्रकार का आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा इस बार आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, जो कि विगत कई वर्षों से लगातार आपका सफलता का प्रतीक बना है। हमारा मुद्दा यही रहता है कि आप सभी को वही सारे क्वेश्चन बताएं, वही सारे आपको डिटेल में समझाएं जो आपके परीक्षा में प्रश्न आने की उम्मीद है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है बस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन भी देंगे, उसका उत्तर भी देंगे, विथ PDF भी देंगे, ठीक है। ये करते हैं, आप सभी को मालूम ही है। और ये पिछले वर्ष का पूरा मॉडल पेपर है, पिछले वर्ष का अभी जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसी का है। और इस बार जो आपकी परीक्षा लगी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम वर्ष और सेमेस्टर आपका फर्स्ट है और सब्जेक्ट हिंदी है। प्रश्न पत्र का नाम हिंदी काव्य है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी काव्य से जुड़े आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समय भी दिया जाएगा, अगर 3 घंटे का समय मिलता तो यहाँ पर 3 घंटे का समय लिखा रहेगा, 2 घंटे का मिलता है 2 घंटा लिखेगा। यहाँ पर पूर्णांक लिखा रहेगा 75 का है, फिर कितने का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे खंड आ में, खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश लिखी होती हैं, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ये मिलिट्री होता है, इसको पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट ब्रिलियंट और स्मार्ट स्टूडेंट रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, वो दिशा निर्देश को जरूर पढ़ते हैं ताकि वो उसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर दें और उनको नंबर मिले पूरे। पता चले कुछ क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन का उत्तर देने में आधे आधे घंटे लगा देते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में उनको टाइम नहीं बचता है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यही लिखा है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपकी परीक्षा में हो सकता है 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जितने भी प्रश्न का उत्तर मांगे यहाँ पर पढ़ लेना है और कितने शब्दों में देना है उतने ही शब्दों में लिखना है। 10-5 शब्द आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने ही शब्दों में लिखना, ज़्यादा डिटेल में मत लिखना शुरू कर दीजिएगा वरना टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको देख लेना है। तो अति लघुत्तरीय का आज किस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन युगों युगों तक आता रहेगा क्योंकि इसी से ही शुरुआत होती है आपकी हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी की शुरुआत इसी से होती है, तो सिंपल सी बात है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी का जो शुरुआत है यहीं सब इन्हीं से सबसे हुआ है। कि इतिहास के बारे में बताइए, कितने काल विभागों में बांटा गया है, ठीक है, हिंदी मतलब कि कितने काल विभागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक है, वो आपको लिखना है। और साथ साथ में इसका समय सीमा, मतलब कि कब से कब तक कौन काल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि इस मतलब कि हिंदी साहित्य में कैसे कैसे इसका विकास हुआ और कैसे कैसे लोग इसको जानने लगे, ठीक है। और आज आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के सिलेबस में आता है BA, BSc, BCom, MA, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी से जुड़े। तो इस प्रकार आप इनका लिखेंगे उत्तर, बाकायदा इसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रश्न जान लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि सगुण साहित्य धारा के 2 प्रमुख कवि व उनके 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उत्तर नहीं बताएंगे, ठीक है। उत्तर हम आपको बाद में बता देंगे कहाँ पर मिल जाएगा, वो वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन जानना जरूरी होता है जो मेन है, ठीक है। उत्तर तो आप लोग सीरीज क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पर ढूंढ के पढ़ ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ढूंढ पाएंगे कौन कौन से आएंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक दो तो है नहीं, 200-500-400 क्वेश्चन हैं, कौन तैयार करेंगे आप, सभी तो करेंगे नहीं। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पहला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति किस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं या फिर कवि हैं, इनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है व किस बोली में इनका साहित्य उपलब्ध है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पक्का है, ठीक है, लेकिन विद्यापति से जुड़ा क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा, ये तो तय है, ठीक है। अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन विद्यापति से जुड़ा आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये भी 100% तो महत्वपूर्ण है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रगतिवाद से जुड़ा आधा क्वेश्चन आएगा तो इसको मान के चलते हैं कि 80% महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अगला कि कामायनी के रचनाकार का नाम लिखिए, वह इस रचना में कितने सर्ग हैं बताइए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 1100% प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। नोट कर लीजिए, कामायनी से जुड़े हो सकता है दो भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। कामायनी के में कितने सर्ग हैं, इनके बारे में लिखना है, कामायनी किसकी रचना है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है जिनको आपको जरूर तैयार करना, नोट करिए तुरंत। खंड खा में आ जाएंगे, खंड खा में आपको लघु उत्तरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश सेम टू सेम इसमें भी लिखी होगी कि कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो दीर्घ लघु उत्तरे का पहला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए, यानी निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख लेखक और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनके कम से कम आपको नाम लिखना है, और उनका नाम लिखने के बाद उन्होंने कौन सी रचनाएं रची हैं, उन रचनाओं का नाम भी लिखना है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो आपको निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि लिख देना है, कवि लिखने के बाद उसके सामने उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, रची हैं, उसका नाम लिख देना बस, ठीक है, प्रमुख प्रश्न ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है छायावाद से आप क्या समझते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां बताइए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन कवि हो सकता है कि कवियों के नाम लिखिए, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लीजिए, फंसेगा पक्का। अगला प्रश्न है कि कवि दुष्यंत की विचारधारा पर संक्षेप लेख लिखिए, ये नहीं आएगा, कम बहुत ही कम उम्मीद है, इग्नोर कर दीजिए। अब आगे हम खंड गा की ओर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विस्तृत उत्तरे, जिनको आप लोग दीर्घ उत्तरे भी बोलते हैं, ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हालांकि इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यह लिखा कि भैया तीन प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है, ठीक है, वो आपको कम से कम ठीक है 400 से 500 शब्दों में लिखना है, उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 15 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, हाँ 500 से कम लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कम से कम 4 से 5 पेज का उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दीर्घ उत्तर यानी कि विस्तृत उत्तर का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपकी परीक्षा में आए कि एक प्रश्न का उत्तर देने पर 10 नंबर मिले, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 नंबर मिलते हैं, दीर्घ उत्तर प्रश्न का उत्तर देने में कुछ में 15 मिलते हैं, कुछ में 8 ही मिलते हैं, ठीक है, तो इस पे मत फोकस करिएगा नंबर पे, आप मेन ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से तैयार करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तर का कि कबीर पहले कवि हैं या समाज सुधारक, सोदाहरण अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहली बात तो आपको कबीर दास जी का पूरा जीवन परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये लेखन एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। कबीरदास जी समाज सुधारक भी हैं, धर्म सुधारक भी हैं, ठीक है, तो कबीरदास जी धर्म सुधारक कम आएगा, लेकिन समाज सुधारक कई बार पूछा जा चुका है, तो कबीरदास का जीवन परिचय, उसके बाद कबीरदास जी एक समाज सुधारक हैं स्पष्ट कीजिए, तो इन समाज सुधारक किस प्रकार हैं उसके बारे में लिखना है, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के अन्य नामों को लिखते हुए इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, मतलब कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और वो कौन, मतलब कि आदिकाल को कौन, आदिकाल के अन्य भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो आदिकाल के और कौन, जैसे कि आपका नाम रमेश है, ठीक है, और आपको कोई बंटू कोई बबलू घर पर बोलता है, ठीक है, इसी तरह आदिकाल के भी बहुत सारे अन्य नाम हैं, ठीक है, तो उन अन्य नाम को रखने वाले कौन कौन से प्रमुख कवि हैं उनका नाम लिखना है, प्रभु प्लस उनकी विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां भी लिखनी है, ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर तैयार करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी 100% फंसेगा। अगला के प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रयोगवाद से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागन में सागर भरा है, इस कथन की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, मतलब कि गागर में सागर भर दिया, मतलब एक गगरी में पूरा का पूरा सागर मुआ दिया, ठीक है, ठीक है, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना, तो ये बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, इसके बारे में आपको जरूर तैयार करेंगे। बिहारी का ये क्वेश्चन आज तक छूटा नहीं, सबसे पहले आपको बिहारी जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और फिर इनकी एक जो लाइन है, ठीक है, गागर में सागर भर दिया या फिर गागर में सागर भरा, ये बहुत ही पॉपुलर है, ये हमेशा ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसके बारे में ज़रूर आपको तैयार कर लेना अच्छे से विधिवत तरीके से, ठीक है। फिलहाल मैंने उत्तर तो तैयार ही कर रखा, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 13 नंबर कि किन्हीं दो
पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या आपने 10वीं क्लास में किया, 11वीं में किया, 12वीं में किया, उसी तरह जैसे कि पैराग्राफ दिया गया है ये, ठीक है, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है कि इसमें संदर्भ में आप पहले आपको लिखना है कि कौन से लेसन का है, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है, ठीक है, इसी टॉपिक की। ओके, अगर आपको इसका ना मालूम हो तो नेक्स्ट का कर सकते हैं कि जो ठगोरी ब्रज न बिकहें या व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो है फ्री जहाँ है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं कि कौन से लेसन पे लिया गया, इसका राइटर कौन से हैं, तो आप इस पैराग्राफ का संदर्भ से व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला कि कोई ना छायादार, तो ये भी अगर आपको ये वाला करना है, अगर इसका मान लीजिए संदर्भ सहित व्याख्या आपको नहीं आता है, तो आप ये वाला कर सकते हैं, नीचे वाला स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, मतलब चार पैराग्राफ दिए गए और किन्हीं दो पैराग्राफ का ही आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है जिनके बारे में आपको विधिवत जानकारी, ठीक है। तो इस प्रकार आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे, और संदर्भ सहित व्याख्या आप जो हाई स्कूल इंटर में लिखें उसी तरह लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के फले फले लेखन से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं फले फले विद्वान हैं, ठीक है, फले फले कवि हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रसंग में मेन सार क्या है उस पैराग्राफ का, उसके बाद व्याख्या हम लिख देंगे, ठीक है, जो लाइन दी गई इन्हें को व्याख्या करना होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बाकी इसी प्रकार जब आप परीक्षा देने जाएंगे ना एग्जाम सेंटर में, तो आपको कुछ ऐसे प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं भरोसा इतना ज़रूर दिलाऊंगा कि अगर मेरे द्वारा बताए गए जो जो क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तैयार कर लेंगे, तो आपके कम से कम 30 से 35 नंबर कम से कम की बात कर रहा हूँ कि पक्के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करेगा कौन, कोई नहीं करेगा, बहुत ही कम एक दो स्टूडेंट होंगे चाहे वो कर लें, बाकी करेगा कोई नहीं, आपकी इच्छा है। हमने अपना फर्ज निभा दिया कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बता दिया, कौन कौन से आएंगे उनको बता दिया। अब बाकी अगर आपको उत्तर चाहिए तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, सीरीज में पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बी ए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के महासंग्राम PDF चाहिए, तो हम आपको PDF डाल देंगे, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।